गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप सभी के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे अल्लाह के करम से। आप सभी को 23वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े, कैसे चल रही है आपकी ईद की तैयारी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने हम समोसे की तैयारी मतलब कैसे बना रहे हैं वो मैंने वीडियो आज आपके साथ शेयर किया है। समोसा तो मुझे जब पता है कि नॉर्मली बहुत लोग बनाते होंगे, फिर भी मैंने आज आपको एक शेयर कर दिया है कि किस तरह से समोसे बनाते हैं। और बस वही आज हमारी रेसिपी रहेगी। तो चलिए फिर आगे का प्रोसेस में चलते हैं। रेडीमेड ली है और हमें ये चिकन का स्टफिंग ऑलरेडी सबको पता है कि समोसे कैसे बनाते हैं, बट जस्ट मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि हम समोसे कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने कुछ ली है कस्टी और यहाँ पे मैंने बनाया है चिकन का स्टफिंग, जैसे कि चिकन आलू या आप इसमें वेजेस डाल के बना सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूँगी ये थोड़ा सा चीज़, हम बनाएंगे समोसा चीज़ वाला, तो इसमें हम पहले से थोड़ा चीज़ डाल देंगे। जब से रमज़ान शुरू हो गया ना, चीज़ चिकन, मैं यहाँ पे लूँगी एक पट्टी इस तरह से। एक्चुअली मैंने ऑलरेडी बना के रखे थे, मेरा सारा स्टॉक्स ख़त्म हो चुका है अभी। तो ये हमारी पट्टी, इसे मैं अभी फटाफट इस तरह से आपको इस तरह से इसको इस तरह लेना है। और जो सफिंग है उसमें आपको इस जो शेप को आपको इस कॉर्नर से आपको ये कॉर्नर पर से लेके आना है, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपको एक ये जो हमने एक मैदे का स्लरी बनाई हुई है पेस्ट जैसा, इससे हम इसे स्टिक करेंगे। तो ये अभी मैं ये कॉर्नर को यहाँ से अटैच करूँगी और इस कॉर्नर को यहाँ पे, ये हमारा समोसा रेडी हो गया। तो इस तरह से हम फटाफट अभी समोसे बनाना चालू कर देंगे। एक्चुअली मोस्टली मैं ये सारी चीज़ें जो हैं संडे को ही करती हूँ, मगर अभी बच्चे लोग तो काफ़ी दिन से अब समोसा ख़त्म हुआ था, जो मैंने फर्स्ट लॉट बनाई थी उसके बाद मैंने बनाया ही नहीं, और इसे ला के भी काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने संडे से ला के रखी हूँ इस पट्टी को, तो मैंने सोचा कि इसे फटाफट बना लेते हैं। इसे एक बार मैं बता रही हूँ, आप मेरे हाथों की तरफ देखिए इस तरह से आपको करना है। एक बैच पहले आपको इसको मैंने पहले स्टिक करना है और फिर ये जो बचा हुआ पार्ट आपको यहाँ पे इस तरह से ये हो गया आपका समोसा। आप सभी मुझे बताना अगर कोई समोसा कुछ अलग वे से बनाता है, एक ऐसे कुछ और बनाने का मेथड है, तो आप भी मुझे इसे शेयर करना कमेंट्स में। मैं ये इस तरह से पट्टी या तो फिर हम मैदे का आटे से भी बनाते हैं, मगर वो थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है घर में बना के समोसा बनाने के लिए, तो अभी हम फिलहाल ये रेडीमेड का ही इस्तेमाल करते हैं। और कल है छुट्टी, कल मुझे भी छुट्टी है, अहमान को भी छुट्टी है, तो कल हम करेंगे आराम तो नहीं होता है, बस खाली इतना है कि थोड़ा सा सुबह में थोड़ा सा फ्री मिलता है टाइम, मी टाइम होता है वो, बट हस्बैंड की ड्यूटी होती है, उन्हें जाना पड़ता है, उन्हें छुट्टी नहीं होती, उनका खुद का पर्सनल बिजनेस है, उन्हें तो खुद का है, तो उनको छुट्टी मिट्टी कुछ नहीं होती, तो उनको जाना जरूरी होता है, तो उनके लिए उठना पड़ता है थोड़ा। बाकी कल हम करेंगे आराम और सारा फिर कल सारा के लिए तो अभी फिलहाल सब छुट्टी है, तो उसके लिए कुछ अलग नहीं, अलग तो हमारे लिए है ना ऐमान, ऐमान को भी छुट्टी है, मुझे भी छुट्टी है, अभी हम लोग इंजॉय करेंगे। देखो शिफा बेटी है बेचारी, को शिफा को रोज़ा लग जाता है, ये टाइम हो जाता है ना शिफा एकदम थोड़ी सी डाउन हो जाती है ना शिफा। ये देखिए यहाँ पे फ्रूट्स भी कटिंग करके रख दिए,
एक्चुअली हमारे यहाँ पे अभी लाइट गई थी, 1 घंटा हो गया लाइट नहीं था, इसलिए थोड़ा सा इसके लिए देर हो गया। ये तो ये कब का हो गया होता, कोई नहीं हो जाएगा फटाफट। साढ़े छः। यहाँ पे ये पप्पा की चमची है, पप्पा को फोन लगाए बगैर इसकी इफ्तारी नहीं होती है। अभी ये पप्पा को फोन लगा के पूछेगी, पप्पा इधर हो, फिर पप्पा उसको बोलेंगे मैं यहाँ हूँ, मुझे आज टाइम लगेगा, सेक्रेटरी है वो अपने पप्पा की। कितने का टाइम है, 7 का ना सर, 6:59 सही है। हाँ आइए बताओ, एग्जाम्स की तैयारी हो रही है बताओ। पहले एक बार हमने अमेजोन पे ऑर्डर किए, 26 मार्च को ऑर्डर किया था, वो ऑर्डर प्लेस ही नहीं हुआ, डिले। फिर मैंने संडे को वापस उसे दूसरी जगह पे प्लेस किया, तो वो भी बुक आ गई और ये भी बुक आ गई, वो बुक कर लाई और ये बुक आ जाए, बुक आ गई है, और दोनों पे अभी रिटर्न का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए एक्चुअली, अमेजोन को भी अगर ऐसा हो रहा है तो उन्हें एक मैसेज देना चाहिए, बताना चाहिए कि डिले हो रहा है, तो या तो कैंसिल का भी ऑप्शन नहीं था कि आप वो ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हो, वो भी ऑप्शन नहीं दे रखा था, तो ये अच्छी बात नहीं है एक्चुअली। क्या अमन को भी करना है, अमन भी एक समोसा बनाने वाला है अभी, उसे भी ट्राई करना है, अच्छा है ना। और मुझे अगर टाइम मिलेगा तो अहमान बना के देगा मुझे समोसा, उसे बहुत इंटरेस्ट है कुकिंग करने में, सिर्फ काम बिगाड़ने में, पिज़्ज़ा बनाने में बहुत इंटरेस्ट है उसको। हेलो बना है, ये कैसे करते हैं, मैं जैसे पहले वैसे करूँ, देखो जल्दी करो टाइम नहीं है, इसको ऐसे लो, गाइस देखो मेरा कपड़ा रेडी हो गया है और आप मम्मी से कुछ तड़का लग गया है, जाइए बाय 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 बाय। हमारे समोसे हो गए रेडी और ये बनाया है समोसा अमान ने, इतना अच्छा लग रहा है, ये कुछ अलग है, हमेशा समोसा अलग बनता है,
ये कुछ अलग बनाए, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना होता है कि कैसे बनाया, शेप ही अलग है। तो ये मैं बैठ के अहमान के साथ इसके बारे में रिसर्च करूँगी कि इसने बनाया कैसे, और इंशाल्लाह आगे हम आगे के समोसे में ऐसे ही बनाए। तो ये है, और ये अभी हम ये कुछ नया है अभी हल्दीराम का मसाला छाछ, मसाला छाछ है पर अच्छा है, टेस्टी लगता है और पीने में भी थोड़ा सा गर्मी में अच्छा लगता है, तो अब मैं ज़्यादातर ये रिफर करती हूँ। तो आज हम ये इन्जॉय करेंगे साल का पहला खुश हम जो हम टेस्ट करने वाले, सबसे पहला अभी तक नहीं खाए थे, आज का पहला हमने टेस्ट करने वाले। आपने भी अगर खाया है तो बताइए कैसे लगा, साल भर के बाद फर्स्ट टाइम आप खा रहे हैं ज़रूर बताइए। 2000 years later. तो गई हमारी इफ्तारी, सारी इफ्तारी के सारे जो बर्तन वगैरह रहते हैं वो भी सब हो गए साफ, खाने की तैयारी हो चुकी है। हमारे हस्बैंड गए अभी तरावी के लिए, जैसे तरावी से आए थे तो फिर अभी हम लोग खाना खा लेंगे, हमारा डिनर हो जाएगा और फिर पूरी सुबह की इफ्तारी की तैयारी। सुबह में मैं बाकी कुछ बना के रखती हूँ, सुबह हम के बाकी पराठे वगैरह जो बना के रखते हैं बस बनाते हैं, सुबह के लिए तो टाइम नहीं मिलता, कभी कभी थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, तो थोड़ी सी थकान भी होगी। जिसके एक दिन पहले मैंने बताया आपको हम बॉम्बे गए थे और चले तो बहुत पैर वगैरह दुखते करके, कोई बात नहीं। एनी वेज कैसा गया आपका आज का दिन, कैसे गया आपके अच्छे रोज गए गाड़ी कैसी गई, ऐसी जगह आपकी तैयारी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और चलो आज फिर इसके साथ हम ये ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, और तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, टेक केयर।